महिलाओं को होने वाली एक आम समस्या में थायराइड का नाम भी शामिल है। थायराइड की वजह से महिलाओं में मोटापा, अनियमित पीरियड्स, थकावट, मूड स्विंग जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दरअसल थायराइड किसी को भी हो सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष, लेकिन महिलाओं में थायराइड ज़्यादा देखने को मिलता है। थायराइड गले में मौजूद तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो थायरोक्सिन यानी T4 और T3 नाम के हार्मोन्स बनाती है। लेकिन थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ी होने से जब हार्मोन्स का उत्पादन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है तो थायराइड की समस्या हो जाती है। इसके बाद थायराइड कंट्रोल करने के लिए दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दवा के साथ आप कुछ घरेलू उपाय आजमाकर भी अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं? थायराइड के लक्षण क्या होते हैं? हाथ पैर में कंपन, बालों का झड़ना, नींद कम आना, मांसपेशियों में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, भूख ज्यादा लगना, वजन कम होना, घबराहट और चिड़चिड़ापन, बहुत पसीना आना, पीरियड में अनियमितता। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को अपने डाइट में जरूर शामिल करना है। तुलसी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो थायराइड कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तुलसी को डाइट में शामिल करने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट 4 से 5 पत्ते को चबाकर आप खा सकते हैं, या फिर इसके पत्ते को पानी में उबालकर आप इसके पानी को पी सकते हैं। अदरक, थायराइड में अदरक की चाय पीने से भी फायदा होता है। अदरक में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीज़ बदन दर्द को दूर करने में भी मदद करते हैं। आंवला, विटामिन सी से भरपूर आंवला इम्यूनिटी मजबूत करने के साथ साथ थायराइड की समस्या को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। थायराइड रोगी को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? जंक फूड खाने से बचना चाहिए, भोजन से पहले पानी या कोई भी तरल लेने से बचना चाहिए। हेल्थ से जुड़ी और वीडियो देखने के लिए हमारे